नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास को देखेंगे। लेकिन उससे पूर्व आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर हिट कर दिया और 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं अभी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो चैनल है ये एजुकेशन बेस्ड चैनल है और मेरा हमेशा से केवल और केवल एजुकेशन पर ही फोकस रहा है। तो इस चक्कर में शायद मैं YouTube के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन से वंचित हूँ। तो पहले YouTube के रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन को जान लूँ, तत्पश्चात ही मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास को देखेंगे। हिंदी पत्र पत्रिका की बात करें तो ये एक बहुत ही बृहद विषय है। कहने का तात्पर्य कि ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत सारे हिंदी के पत्र पत्रिकाएं हुए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग केवल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार से आप अगर लिखेंगे तो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ठीक ठाक मार्क स्कोर कर जाएंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज हिंदी पत्र पत्रिकाओं के उद्भव और विकास को देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना पर्याप्त नहीं होगा। आज जो मैं हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास आपको बताने वाला हूँ, अगर आप नेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना पर्याप्त नहीं होगा, आपको और डिटेली पढ़ना होगा। लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इतना पर्याप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग हिंदी पत्र पत्रिकाओं के उद्भव और विकास को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग SB चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना में लिखेंगे। दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पत्रिका क्या है। पत्रिका दरअसल एक प्रकाशन को कहा जाता है, और वर्तमान समय में इसका दो रूप हमें देखने को मिलता है, एक मुद्रित तथा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता। मुद्रित पहले से चली आ रही है और इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का विकास अभी वर्तमान समय में बहुत तीव्रता के साथ में हो रही है। मुद्रित पत्रकारिता से तात्पर्य है कि छपा हुआ लिखित रूप में जो पत्रिकाएं उपलब्ध होती है उसे मुद्रित पत्रिकाएं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पुस्तक, रचनाएं, समाचार पत्र, मैगजीन आदि आदि, ये सब मुद्रित पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाती है। वही इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता की बात करें तो जैसे दृश्य श्रव्य माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि आदि, ये सब इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के अंतर्गत आती है और वर्तमान समय में इसने बहुत ही तीव्र गति को पकड़ लिया है। तो पत्रकारिता ये है, पत्रकारिता एक प्रकार से जन संचार का माध्यम है, अर्थात जनसंख्या में संचार करने का माध्यम है। और जनसंचार दोस्तों, जनसंचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये प्रयोजन मूलक हिंदी का विषय है। हम लोग किसी अन्य वीडियो पर जनसंचार पर भी बात करेंगे। आज हम लोग हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास पर बात करेंगे। दोस्तों, मैंने कहा हिंदी पत्र पत्रिकाओं का, कहने का तात्पर्य कि आज हम लोग पत्र पत्रिकाओं का नहीं, केवल हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अन्य भाषा के पत्र पत्रिकाओं का चर्चा नहीं करूँगा, मैं केवल हिंदी के पत्र पत्रकारिताओं का चर्चा करूँगा, वो भी बिल्कुल प्रमुख और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की बात करेंगे। पत्र पत्रिकाओं का प्रारंभ जो है बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है। कहने का तात्पर्य कि भारत में पत्रिकाओं का उदय जो है वो लगभग भारतेंदु पूर्व युग से हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है। लेकिन पहले भी लोगों को सूचना प्रदान किया जाता था, लेकिन उसका माध्यम कुछ और होता था। जैसे ढोल पीट कर लोगों को सूचना देना, शिलालेख में लेख लिखना, पत्तों में, पत्थरों में आदि आदि में जो लिखा जाता था वो भी पत्र पत्रिकाओं का ही रूप है। लेकिन भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ की बात करें तो अंग्रेज शासकों द्वारा किया गया। सन 1780 में जेम्स अगस्टन हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। लेकिन ये बात याद रखना कि बंगाल गजट जो है वो हिंदी की पत्रिका नहीं थी, क्योंकि ये भारत में प्रथम पत्रिका थी, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। बंगाल गजट ये एक
अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रारंभ कोलकाता में हुआ था। यह भारत का पहला समाचार पत्र है परंतु हिंदी का नहीं है। भारत में हिंदी पत्रकारिता का उदय जो है वो लगभग 1822 से मानी जाती है, अर्थात भारतेंदु पूर्व युग से मानी जाती है। इससे पहले भी कुछ पत्रिकाओं का उदय हुआ परंतु वो भारतीय भाषा में तो अवश्य थी लेकिन हिंदी में नहीं थी। जैसे दिग्दर्शन, इसका प्रकाशन हुआ था 1880 को। यह पत्रिका जो है ये बंगला भाषा की पत्रिका थी। कहने का तात्पर्य कि ये भारतीय भाषा की पत्रिका तो अवश्य थी परंतु हिंदी की नहीं थी। वहीं उसी के साथ दरबार रोजाना मंचा नामक पत्रिका का भी जिक्र होता है तथा बंगाल भाषा का संवाद कॉमेडी जिसका प्रकाशन 1821 को राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में हुआ था, इसका भी जिक्र किया जाता है। ये भारतीय भाषा की पत्रिका तो थी लेकिन हिंदी की नहीं थी। हाँ, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका है परंतु ये प्रामाणिक नहीं है। तो प्रस्तावना में दोस्तों आप इतना ही लिखें। अब आगे हम लोग हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास को विस्तार से देखेंगे, अर्थात अब आगे हिंदी पत्र पत्रिका का उद्भव और विकास निम्नलिखित है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज जो मैं ये आपको लिखित रूप प्रदान करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कहने का तात्पर्य कि अगर आपकी परीक्षा में 18 मार्क्स, 15 मार्क्स, 12 मार्क्स इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इतना पर्याप्त होगा। लेकिन हो सकता है इसमें बहुत सारे पत्रिकाओं की मैंने चर्चा नहीं की क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो सबसे पहले बिंदु में लिखिए आप हिंदी पत्र पत्रिका का आरंभिक काल, इसको आप उदय काल भी कह सकते हैं या फिर भारतेंदु पूर्व युग भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम 1826 से लेकर 1867 तक की पत्रिकाओं की चर्चा करेंगे। हिंदी जगत की प्रथम पत्रिका की बात करें तो इसका श्रेय उदंत मार्तंड को जाता है। उदंत मार्तंड सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित भारत की प्रथम समाचार पत्र है, भारत की प्रथम समाचार पत्र है जो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। इसके संपादक या फिर स्थापक जो है युगल किशोर शुक्ल है। दोस्तों, कहीं कहीं आपको युगल किशोर शुक्ल भी मिलता है और कहीं कहीं युगल किशोर भी मिलता है, तो इस पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था। उस समय अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी में तो कई पत्र थे परंतु हिंदी का प्रथम पत्रिका सही मायनों में उदंत मार्तंड को ही कहा जाता है। तो ये सब बिंदु जो है दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि आप किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं जिन भी पत्रिकाओं की चर्चा करूँगा वो महत्वपूर्ण तो है ही कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उदंत मार्तंड जो है हिंदी की प्रथम पत्रिका कही जाती है, लेकिन कुछ कारणवश 1827 को ही ये बंद हो गया। सन 1829 में राजा राम मोहन राय का बंगदूत पत्रिका प्रकाशित हुई जो बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी भाषा में छपती थी, जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र थी। वहीं भी सन 1834 में प्रजा मित्र, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी। फिर सन 1845 को बनारस अखबार प्रकाशित हुई जिसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। यह पत्रिका उर्दू हिंदी मिश्रित थी, मतलब उर्दू और हिंदी भाषा मिश्रित थी ये पत्रिका। और ये जो बनारस अखबार है ये हिंदी प्रदेश में निकलने वाला पहला पत्र था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे कि हिंदी प्रदेश में निकलने वाला प्रथम हिंदी का समाचार पत्र कौन सा है तो आप कहेंगे बनारस अखबार, ठीक है। उसके बाद 1846 को मार्तंड नामक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसके संपादक मौलवी नसरुद्दीन थे। फिर समाचार सुधावर्षण 1858 को प्रकाशित हुई जिसके संपादक श्याम सुंदर दास थे और ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। तो ये बिंदु को भी याद रखिए कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे समाचार सुधावर्षण। उसके बाद फिर
बुद्धि प्रकाश, जिसका प्रकाशन 1852 को हुआ था और इसके संपादक मुंशी सदा सुखलाल थे और वहीं प्रजा हितेशी भी थे, अर्थात प्रजा हितेशी और मुंशी सदा सुखलाल इसके संपादक थे। फिर 1855 को राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक बने। तो भारतेंदु पूर्व युग के पत्र पत्रिकाओं में आप इतना चर्चा करिए, फिर अब आगे हम लोग भारतेंदु युग तथा हिंदी पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे। दोस्तों आई रिमाइंड यू वन मोर टाइम कि यहाँ मैंने बहुत सारे पत्रिकाओं का जिक्र नहीं किया, बिकॉज ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर बात करेंगे, भारतेंदु युग में किन किन पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ। ठीक है, भारतेंदु युग की बात करें तो 1868 से लेकर 1885 तक। दोस्तों हिंदी पत्र पत्रिकाओं के उद्भव और विकास में भारतेंदु जी का बहुत बड़ा योगदान है तथा उनके इस युग के अन्य रचनाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि इस युग में आपको पता होगा कि पद्य के साथ साथ कई गद्य विधाओं का भी विकास हुआ था। यही वो कारण है कि इस युग में पत्र पत्रिकाएं भी बड़े तीव्र गति के साथ में विकसित हुई। भारतेंदु जी ने 1868 में कवि वचन सुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कब किया था? 1868 में। संपादक कौन थे? भारतेंदु जी स्वयं थे, तो इसका प्रकाशन किया था 1868 में। पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर आप एमए की तैयारी कर रहे हैं, एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखते चलिएगा। उसी के साथ साथ भारतेंदु ने और कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका प्रकाशन 1873 को हुआ, वही हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसका प्रकाशन 1874 को, वहीं बाला बोधनी, जिसका प्रकाशन 1874, आदि आदि। ये जो जितने मैंने पत्रिकाओं का जिक्र किया, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ हैं। इसी युग में भारतेंदु से प्रेरणा लेकर तत्कालीन रचनाकारों ने भी कई प्रचलित पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जैसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का आनंद कादंबनी, जिसका प्रकाशन 1881 ईस्वी को हुआ था, वही बाल कृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, जिसका प्रकाशन 1877 को हुआ था, वहीं प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, जिसका प्रकाशन 1883 को हुआ था, फिर रामकृष्ण वर्मा का भारत जीवन, जिसका प्रकाशन 1884 को हुआ था, फिर राधा चरण गोस्वामी का भारतेंदु। देखिए, राधा चरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया 1884 को। तो यहाँ भारतेंदु सुनकर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, उन्होंने, क्योंकि वे भारतेंदु जी को बड़े आदर करते थे, तो उनके नाम से उन्होंने इस पत्रिका का प्रारंभ किया था। वहीं फिर राजा रामपल सिंह ने हिंदुस्तान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। और हमने अभी जितनी भी पत्रिकाओं की बात की, ये सभी हिंदी के पत्रिकाएं हैं। अब हम लोग द्विवेदी युग के देखेंगे। भारतेंदु युग की पत्रिकाओं में हम इतने पत्रिकाओं की चर्चा कर देंगे तो पर्याप्त रहेगा। द्विवेदी युग तथा हिंदी पत्र पत्रिकाएं। द्विवेदी युग जो है, हिंदी पत्र पत्रिकाओं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, मतलब गोल्डन एज। ठीक है, क्योंकि इसी युग में भारत की सबसे प्रचलित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन भी हुआ था। सरस्वती पत्रिका से आप परिचित होंगे, क्योंकि सरस्वती पत्रिका, ये भी महत्वपूर्ण विषय है, कई परीक्षा में आपको केवल सरस्वती पत्रिका पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस युग में एक से बढ़कर एक पत्रिकाओं का विकास हुआ, मतलब एक से बढ़कर एक पत्रिकाएं सामने आई। तो द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार है, बद्री नारायण चौधरी का नागरी निरद, जिसका प्रकाशन 1893 को हुआ था, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, वही गौरी शंकर का हीराचंद, फिर मुंशी देवी प्रसाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा श्याम सुंदर दास ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर सन 1896 में नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन किया था। दोस्तों नागरी प्रचारणी पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और इसी पत्रिका के संपादक आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल और केशव प्रसाद मिश्र भी रहे। उसी के साथ साथ लगभग सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई, जिनके संपादक जगन्नाथ दास, श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी आदि आदि थे। सन 1903 में द्विवेदी युग के प्रवर्तक
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका कार्यभार संभाला और लगभग 1920 तक उन्होंने इस पत्रिका में अपना योगदान दिया। द्विवेदी जी का योगदान सरस्वती पत्रिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर सन 1980 तक ये पत्रिका जो है चलती रही। 1980 के बाद ये पत्रिका जो है बंद हो गई, परंतु 2020 से इसका पुनः प्रकाशन हुआ। दोस्तों मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 2020 से सरस्वती पत्रिका का पुनः प्रकाशन हुआ और आज इसके संपादक जो है वो रविनंदन सिंह तथा अनुपम परिहार हैं। तो ये सरस्वती पत्रिका की बात थी। उसी के साथ साथ द्विवेदी युग की और कुछ पत्रिकाएं इस प्रकार है। देवकी नंदन का सुदर्शन, जिसका प्रकाशन 1900 को हुआ था। गुलेरी का समालोचन, 1902 को इसका प्रकाशन हुआ था। अंबिका प्रसाद गुप्त का इंदु, जिसका प्रकाशन 1909 को हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप, जिसका प्रकाशन 1913 को हुआ था। वहीं कालूराम का प्रभा, जिसका भी प्रकाशन 1913 को हुआ था। वहीं काशी प्रसाद जयसवाल का पाटलिपुत्र, जिसका प्रकाशन जो है वो 1914 को हुआ था। तो ये इतना ही द्विवेदी युग की पत्रिकाएं नहीं है, यहाँ मैंने केवल महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की बात की। अब हम लोग छायावाद से लेकर प्रयोगवाद तक के पत्रिकाओं की चर्चा करेंगे। साहित्य में उभरते नए रचनाकारों ने इस युग में कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जैसे महादेवी वर्मा का चांद, जिसका प्रकाशन 1920 को हुआ था। बालकृष्ण का प्रभा, जिसका प्रकाशन 1921 को हुआ था। दुलारे राम भार्गव का माधुरी, जिसका प्रकाशन 1922 को हुआ था। प्रेमचंद का हंस, जिसका प्रकाशन 1930 को हुआ था, महत्वपूर्ण है दोस्तों। निराला का समन्वय, जिसका प्रकाशन 1922 को हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी का कर्मवीर, जिसका प्रकाशन 1924 को हुआ था। हनुमान प्रसाद का कल्याण, जिसका प्रकाशन 1925 को हुआ था। बनारसी दास चतुर्वेदी का विशाल भारत, जिसका प्रकाशन 1928 को हुआ था। शिव पूजन सहाय का जागरण, जिसका प्रकाशन 1932 को हुआ था। वही बादू गुलाब का साहित्य संदेश, जिसका प्रकाशन 1937 को हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी का भारत। हजारी प्रसाद द्विवेदी का विश्व भारत, जिसका प्रकाशन 1942 को हुआ था। अज्ञेय का प्रतीक, जिसका प्रकाशन 1947 को हुआ था। धर्मवीर भारती का धर्मयुग, जिसका प्रकाशन 1950 को हुआ था। नरेश मेहता का कृति, जिसका प्रकाशन 1958 को हुआ था। रघुवीर सहाय का दीनमान, जिसका प्रकाशन 1965 को हुआ था। वहीं मुक्तिबोध की नया खून आदि आदि छायावाद से लेकर प्रयोगवाद तक के कुछ प्रमुख हिंदी के पत्र पत्रिकाएं है। तो दोस्तों इतना लिख देंगे, अब आप निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार से भारतेंदु पूर्व युग से हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उदय हुआ और तब से लेकर आज तक इसका बड़े ही तीव्रता के साथ विकास हो रही है। वर्तमान समय में मुद्रित पत्रिका के तुलना इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का विकास अधिक हो रहा है, परंतु मुद्रित पत्रिकाएं भी अपना स्थान जमाए हुए हैं। वर्तमान समय में सरस्वती, पाखी, पहल, आलोचना, नया आंदोलन आदि आदि कई प्रमुख पत्रिकाएं अपना योगदान साहित्य में दे रही है। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास आपसे पूछे तो आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है, शिकायत क्या कहूँ कि ये दुख है एक प्रकार से, कि मेरे चैनल में जो है जो वॉच टाइम आता है उसमें से 95% वॉच टाइम वहाँ से आता है जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा तो सही लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वे वीडियो को देखते हैं, पूरी वीडियो को देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो बहुत दुख लगता है। दोस्तों अगर आप देख रहे हैं और ये आपके लिए सहयोगी है ये वीडियो, इससे आपको कोई सहायता प्राप्त होती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और वैसे भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल के वीडियो को देख रहे हैं, तो ये तो श्योर है कि आप हिंदी के ही विद्यार्थी हैं।
और आगे भी आपको इस तरह से बहुत सारे विषयों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। केवल 15% ही मेरे सब्सक्राइबर द्वारा मुझे वॉच टाइम प्राप्त होती है, तो बहुत दुख लगता है ये देखकर। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, अपना सुझाव देना हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।